वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसमें पैडी थ्रेसर या फिर थ्रेसर चल पाता है या फिर नहीं, और चलता है तो कैसा रिस्पॉन्स करता है, वो सारी चीज़ें। तो वीडियो पे बने रहना, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। तो अब बात करते हैं इसमें थ्रेसर चल पाता है या फिर नहीं। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में रोटावेटर के फीडबैक में बताया था कि वो चल पाता है या फिर नहीं, तो सेम उसी कंडीशन इसका भी है, थ्रेसर चलता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, अगर ऑप्शन दिया है थ्रेसर कनेक्ट करने का तो चलता है ज़रूर, लेकिन अगर आप इसमें थ्रेसर चलाते हैं तो ये ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम आपको ज़रूर आएगा, ओवर ईट हो जाएगा इंजन, या फिर कुछ लंबा समय तक आप चलाएंगे साल दो साल तो उसके बाद इंजन खड़खड़ाने का आवाज़ आएगा कहीं से, या फिर आयल लीकेज, वो सारी चीज़ों का आपको प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। और आपको चलाते वक्त भी पता चल जाएगा कि इंजन में कुछ ओवरलोड हो रहा है जो ट्रैक्टर लोड नहीं उठा पा रहा है। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं और चलाते वक्त आपको ये ज़रूर अनुभव होगा। और मेन दिक्कत आपको इसमें क्या है वो बता देता हूँ। जैसे इसको आप चलाना चाहते हैं तो नॉर्मल स्पीड में चला नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आप कम RPM में चलाएंगे तो ये बंद होने का चांस रहेगा। जैसे भी थोड़ा सा अगर हम धान का बात करते हैं तो थोड़ा सा भी ज़्यादा धान इसमें डल गया थ्रेसर में तो ये बंद होने का चांस रहेगा, और ज़्यादा RPM अगर देते हैं तो आपके जो थ्रेसर है उसमें प्रॉब्लम आने का संभावना रहेगा। तो हमको उस तरीके का ट्रैक्टर चाहिए जो लो RPM में भी मतलब पावर प्रोड्यूस करे, सफिशेंट पावर प्रोड्यूस करे, और ये वो नहीं कर सकता, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए आप अदर ट्रैक्टर देख सकते हैं या फिर इससे हेवी ट्रैक्टर देख सकते हैं। वैसे एक भाई ने कमेंट किया था कि इस महिंद्रा 275 से हम थ्रेसर चला सकते हैं या फिर नहीं, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप थ्रेसर नहीं चला सकते हैं, अगर आप थ्रेसर के पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो इस ट्रैक्टर को आप इग्नोर करिए, इस ट्रैक्टर को ना लें। अगर आप ले भी लेते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बार बार इंजन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि अगर दो साल तीन साल अगर लगातार थ्रेसर चलाते हो इस पर सीजन टू सीजन, फिर भी कई सारे जगह में आपको लीकेज देखना शुरू हो जाएगा या फिर इंजन में प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं कुछ लंबा ही बोल दे रहा हूँ, कुछ जल्दी ही ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप लगा सकते हैं इसमें लोड उतना लोड लेने का क्षमता नहीं है जितना थ्रेसर में ये लेता है। कम RPM में आप चला नहीं सकते, कम RPM में जब चलाएंगे तो इजीली बंद हो जाएगा आपका ट्रैक्टर। अब हाई RPM में जब चलाएंगे तो हाई RPM में चलेगा, लेकिन आपके थ्रेसर का जो फैन होता है उसका टूटने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये कुछ था आज का वीडियो, मिलूंगा आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। टिल देन टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ, वंदे मातरम।